having straight across to Home Minister Amit Shah, who's campaigning in Uttar Pradesh today. चाहे 1942 का हो, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसी धरती के मुंशी मंगलसेन, मास्टर जंग बहादुर जौहरी, कुंवर रुकम सिंह, चौधरी तुलसीराम, पंडित निरंजन लाल और चौधरी बदन सिंह को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज आप सब लोग यहां आए हो हमारे भारद्वाज जी को जिताना है, जिताना है ना? अरे जोर से बोलो, जिताना है ना? कमल के निशान पर बटन दबाना है ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है ना? योगी जी के हाथ मजबूत करना है ना? मगर मैं कहता हूं कि चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराया है, उनको जमीन के अंदर 200 फुट नीचे ले जाने का ये चुनाव है। ये चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का नहीं है, वो तो आप बनाओगे ही, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इससे भी बड़े व्यक्ति बनकर यहां आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। परंतु उत्तर प्रदेश इस सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था, माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे बताओ, आज सहजवान में कोई भी माफिया का हिम्मत है कि बहन बेटी के सम्मान के विरुद्ध काम करे? है हिम्मत? जरा जोर से बोलो, है हिम्मत? कोई माफिया दिखाई पड़ता है दूर दूर तक दूरबीन लेकर? अरे बोलो जोर से, दिखाई पड़ता है? माफिया तीन ही जगह पे है भाई, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो बदायूं की जेल में है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, और कहीं पर भी माफिया बचा नहीं है। मित्रों, ये सपा बसपा की सरकारें जातिवादी सरकारें, तुष्टिकरण करने वाली सरकारें। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक जाति और एक धर्म के अलावे किसी का काम होता था क्या? होता था? बहन जी आती थी तो दूसरी जाति और एक धर्म का काम होता था, और किसी का होता था क्या? अब मोदी जी को आप लाए ना, लाए या नहीं लाए? जोर से बोलो, लाए या नहीं लाए? मोदी जी का सूत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मित्रों, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है, और घर में बिजली पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है, हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।